हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए आज हम बनाते हैं राजस्थान की बहुत ही पॉपुलर सब्जी। गट्टे की सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है। यहाँ पर मैं एक चौथाई चम्मच इसमें जीरा ऐड करूँगी, एक चौथाई चम्मच ही मैं इसमें अजवाइन ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिए इसमें, एक चौथाई चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी एंड 2 स्पून मैं इसमें दही ऐड करूंगी। 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक ये डो रेडी करिए, क्योंकि इसमें जरा सा पानी ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा पतला डो रेडी हो जाता है। इसलिए अपन को एक डो रेडी करना है, इसका लिक्विड नहीं रखना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आपको इसको बिना दही के बता रही हूँ। ग्रेवी में अपन कोई दही ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ये गट्टे बनाने के लिए 2 चम्मच दही ऐड करा है। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये डो रेडी करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ऐड नहीं करेंगे अपन इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो गट्टे बनाने में बहुत ज़्यादा अपन को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे डेली न्यू एंड हेल्दी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, डो एकदम रेडी हो गया है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और ऑयल को अच्छे से फैला लूँगी और ये से इसको स्प्रेड कर लूँगी पूरी तरफ से, जिससे कि एकदम सॉफ्ट डो बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, डो एकदम रेडी है, बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी हुआ है। इसके अपन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से इसके लंबे लंबे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए, जिससे कि बहुत ही सुंदर गट्टे बनकर तैयार होंगे। सब्जी बनकर तैयार होगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, गट्टे बॉईल करते समय हमेशा पानी जो है वो एकदम बॉईल होना चाहिए, मतलब बहुत खोलता हुआ पानी होना चाहिए। तो मैं अब इसमें गट्टे डाल रही हूँ, एक एक करके सारे गट्टे मैं डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे मिनिमम 8 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गई है गट्टों को बॉईल होते हुए। मैं गैस का फ्लेम लो मीडियम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1/4 कप तेल ऐड कर दिया है। तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड करें आप गट्टे की सब्जी में। 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो मीडियम कर दिया है। 1 बारीक कटी हुई प्याज, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से छोड़ देंगे इसको 2 मिनट के लिए भुनने के लिए। जितना आप प्याज को भुनेंगे आपकी सब्जी में कलर उतना ही अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च को छोटा छोटा कट कर लिया है। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ऐड कर दीजिए, और अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते तो ये हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। उसके बाद अब अपन इसको लिड लगा कर पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना रखी है, तो मैं ये टमाटर ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें कोई दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होगी। अब इसमें मैं ये 1/2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अब इसको जब तक पकने देंगे जब तक कि तेल सरफेस तक नहीं आ जाए, मतलब तेल ऊपर नहीं आ जाए। तो ये देखिए, 8 से 10 मिनट हो गई है, गट्टे भी एकदम रेडी हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और गट्टों को इस तरीके से निकाल लेंगे और स्ट्रेनर में डाल लेंगे, जिससे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, जितना भी पानी हो पूरा पानी निकल जाए गट्टों में से। अब अपन इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, क्योंकि अपन ने गट्टों में भी नमक डाल रखा था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको।
अब इसको मैं ढककर इसी तरीके से छोड़ दूंगी जब तक कि सब्जी में से तेल ना आ जाए। गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो मीडियम ही रखा है। तो देखिए सब्जी ने पूरा तेल छोड़ दिया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से तेल आ गया है। अब मैं इसमें एक ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम हाई कर लेंगे, एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम एकदम लो मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए सब्जी में बॉईल आ गया है, मैं गैस का फ्लेम एकदम लो मीडियम कर दूंगी और इसको अब अपन ढक करके पकाएंगे। तो चलिए अब अपन सब्जी चेक कर लेते हैं। वाओ, लुक सो टेम्प्टिंग। मैं इसको चला लेती हूँ, बहुत ही मस्त कलर आया है इसमें। अब इसमें मैं कुकिंग क्रीम ऐड करूँगी, आप चाहें तो मार्केट वाली भी क्रीम ऐड कर सकते हैं, मैं ये घर की क्रीम ऐड कर रही हूँ। 3 स्पून मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शाही ग्रेवी बनकर ही आपकी रेडी हो जाएगी, तो ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे न्यू एंड हेल्दी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको लिड लगाकर पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गट्टे भी कट करके रख लिए हैं। इस तरीके से गट्टों को कट करना है, बहुत पतला पतला गट्टों को कट नहीं करना है। इस तरीके से गट्टों को अपन कट कर लेंगे। तो चलिए क्रीम भी अच्छे से पक गई है, अब अपन इसमें गट्टे डाल देंगे जिससे कि गट्टे भी ग्रेवी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं पूरे। अब इसको 2 मिनट के लिए अपन इसी तरीके से ढककर पका लेंगे, गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार की सब्ज़ी लग रही है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप चावल के साथ, पूरी के साथ, लच्छा पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही शाही सब्ज़ी लगती है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इसको अपन। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो बनकर के रेडी है अपनी गट्टा मसाला, तो ज़रूर ट्राई करना। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, तो आइए अब अपन इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए बनकर के रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए एंजॉय, बाय, थैंक यू।